नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। गरियाबंद जिला कलेक्ट्रेट को किया गया सील, 8 अधिकारी कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इधर गरियाबंद जिला कलेक्ट्रेट के 8 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद अब सुरक्षा के मद्देनजर जिला कलेक्ट्रेट को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 8 अधिकारी कर्मचारी ने अपना कोरोना जांच करवाया था, वहीं अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के विरोध में उतरी कार्यकर्ता सहायिका संघ, कहा इससे महिलाओं और बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा। सरकार ने आज से आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार के विरोध में खड़ी हो गई है। जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केंद्र को बंद रखने की मांग की है। कार्यकर्ता सहायिका संघ का कहना है कि कोरोना काल में आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। तालाब में डूबने से मासूम की मौत। मनेंद्रगढ़ थाना के खुटरा गाँव में नहाने के दौरान हादसा हो गया, तालाब में डूबने से मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बालक हर दिन की तरह आज भी नहाने के लिए तालाब गया था, इस दौरान वह गहराई में चला गया। चीख सुनकर कुछ लोगों ने मदद की कोशिश की, तब तक उसकी सांस थम चुकी थी। मौत की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। पुलिस ने मर्ग कायम किया है, अभी तक मृतक का नाम पता नहीं चल पाया है। बीएडीएड संघ करेगा सीएम हाउस का घेराव, भूख हड़ताल का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में 14,540 पदों पर शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है। प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षित बीएडीएड संघ अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। संघ ने आज सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया है। इसके साथ ही बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर भूख हड़ताल शुरू करने का भी ऐलान किया है। हर बीते दिन के साथ भयावह हो रहा है कोरोना का फैलाव। 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 91,000 नए केस। ब्राजील को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश हो गया है। यहाँ 42 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 90,802 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 1,016 लोगों की जान चली गई है। दुनिया में अभी संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं, लेकिन हर दिन अमेरिका से दोगुने तिगुने कोरोना मामले भारत में मिल रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच 159 दिन बाद पटरी पर दौड़ी दिल्ली मेट्रो। कोविड-19 महामारी के कारण 5 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो ने सोमवार को येलो लाइन पर अपनी सीमित सेवाएं बहाल की। इस दौरान यात्री भरपूर सतर्कता बरतते नजर आए। संजय राउत से विवाद के बीच कंगना को मिली वाय सुरक्षा, एक्ट्रेस बोली अमित शाह ने बेटे के बचनों का मान रखा। शिवसेना नेता संजय राउत ने हाल ही में कंगना रानावत को मुंबई नहीं आने की धमकी दी थी। इस पर केंद्र सरकार ने एक्ट्रेस कंगना रानावत को वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। कंगना ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने उनके वचनों का मान रखा। लगातार दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ, आज गिरफ्तारी मुमकिन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जाँच में ड्रग्स कनेक्शन निकला है, जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली नजर आ रही है। सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार दूसरे दिन पूछताछ कर रही है। कल रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।